हाथी कैसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शानदार वीडियो में। कुदरत ने इस धरती पर मौजूद हर एक प्राणी को कोई ना कोई खास गुण जरूर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए हाथी की, तो ये न केवल जंगल का सबसे विशालकाय और ताकतवर जानवर होता है, बल्कि इसके साथ ही काफी शांति प्रिय भी होता है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी डे टू डे लाइफस्टाइल की, इनसे जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो काफी रोचक और हैरान कर देने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हाथी का गर्भकाल कितना होता है, हाथियों में मेंटिंग इंसानों से क्यों अलग होती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज के वीडियो में हम हाथियों से जुड़े कई सीक्रेट से रूबरू होने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें हाथी के मेंटिंग और रोमांटिक लाइफ के बारे में, हम आपको बता दें कि हाथी एकमात्र ऐसा जानवर होता है जिसको यौन क्रिया उत्तेजित करने के लिए प्रकृति ने अलग ही तरीके के ग्लैंड दिए हैं, जिसे टेम्पोरल ग्लैंड कहते हैं। हाथी में ये ग्रंथि कान और आंख के बीच के शरीर के अंदर होती है, वहीं से हाथी अपनी यौन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 10 से 12 वर्ष की उम्र तक हाथी पूरे तरीके से यौन परिपक्वता के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 से 16 वर्षों में हाथियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके अलावा वैसे तो हाथी मेंटिंग उसी तरह ही करते हैं जिस तरह से बाकी जानवर संभोग करते हैं। सरसों की अवधि में हाथी मादाओं के लिए तैयार होते हैं, जो कि हथनियों से संभोग करने के लिए तैयार होते हैं। इस समय वो झुंड से संपर्क करते हैं, जबकि बाकी समय में वो एकांत जीवन शैली जीते हैं या फिर छोटे नर हाथियों से मिलकर छोटे समूह बनाते हैं। हाथी महिलाओं की भी देखभाल करते हैं। नवजात हाथी दूध पीने के लिए मुंह का उपयोग करके चूसता है, न कि सूंड से। दूध छुड़ाना एक लंबी प्रक्रिया है और कभी कभी तब तक जारी रहती है जब तक कि माँ अपनी संतानों के उभरते हुए दांतों की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूध छुड़ाने के बाद प्रतिदिन के कई घंटे खाने में व्यतीत होते हैं। जब एक नर हाथी मादा के पास आता है तो एस्ट्रस में एक महिला पहले सतर्कता दिखा सकती है, लेकिन अगर वो दिलचस्पी लेती है तो वो परिवार समूह को छोड़ देगी इसे देखने के लिए। अगर वो उसके सिर के साथ चल रही है और पीछे की ओर पुरुष को देखने के लिए बगल में मुड़ गई है, तो ये एक तरह का संकेत होता है। नर मादा का पीछा कर सकता है। यदि वो पीछे हटती है और किसी और नर का पीछा कर रही थी, नर मादा को पीछे से घुमाने से पहले हाथी एक दूसरे को अपनी सूंड से सहला सकते हैं। जब वे संभोग करते हैं तो लगभग लंबवत खड़े हो जाते हैं। हाथी का संभोग 2 मिनट तक चलता है और उसके बाद वो हाथी मादा के पास रहेगा और दूसरे नर हाथी से उसकी रक्षा करेगा। मादा प्रत्येक एस्ट्रस चक्र में एक से अधिक हाथियों के साथ संभोग कर सकती है, जो 18 सप्ताह तक रहता है। जबकि हाथी एक मादा के अलावा की और लाइफस्टाइल के लिए संभोग नहीं करते। एक मादा बार बार एक ही हाथी के साथ संभोग करना चुन सकती है और कभी कभी इसे मादाओं की सुरक्षा करते देखा जाता है। दोस्तों जब हम लोग अपने गांव में सड़कों पर हाथी को देखते थे तो हाथी के पीछे ताली बजाते हुए खूब दौड़ते थे। पुरानी कई फिल्मों में तो विशालकाय हाथी को आदमी का सबसे बड़ा मित्र भी बताया गया है, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चे शहरों में जा रहे हैं उनको हाथी देखना है तो सर्कस में मिलेगा या तो किसी चिड़ियाघर में मिलेगा, या तो वो टीवी पर ही हाथी को देख पा रहे हैं। हाथी काफी स्किल्ड और बुद्धिमान जानवर होता है, जिसका उदाहरण उसकी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। दोस्तों हाथी कभी भी लेट कर नहीं सोता, खड़े होकर ही सो जाता है। एक हाथी पानी की गंध को लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर सूंघ सकता है और समझ सकता है कि किस दिशा में हमारे उपयोग के लिए पानी मौजूद है। हाथी दिन में बहुत कम ही सोते हैं, 24 घंटे में हाथी 4 घंटे ही सो पाते हैं। दोस्तों हाथी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। जैसे हमारी आवाज अलग है, उसी तरीके से हाथियों की आवाज भी अलग अलग होती है। किसी को कोई भी चोट लगती है तो दूसरा हाथी उसकी सहायता जरूर करता है। अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाए तो सारा झुंड अजीब अजीब तरह की गरज से उसकी मौत का शोक मनाते हैं। हाथी हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद करता है, तो हाथी कितने संवेदनशील और इतने मजबूत पकड़ वाले होते हैं।
कि अगर ये हाथी को एक सिक्का उठाने को बोला जाए या वो खुद किसी सिक्के को उठाना चाहता है तो वो फर्श पर पड़े हुए एक रुपए के सिक्कों को वो उठा सकता है। ये बिल्ली को अपना दुश्मन भी समझते हैं। हाथी और बिल्ली की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है और बिल्ली ने हर मैदान में हाथी को शिकस्त दी है। दुनिया में मौजूद बहुत से जानवर हैं जो अपनी जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पर संभोग नहीं करता और संभोग करते वक्त हाथी बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस करता है। दोस्तों, दुनिया में प्राप्त हुए बहुत सारे डेटा से ये पता चला है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले हाथियों के करीब 170 प्रजातियां विकसित थी। ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते थे। मित्रों, मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म जरूर देती है जिसका गर्भकाल औसतन 22 महीने तक का होता है। कम ही मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। पैदा हुए हाथी की लंबाई 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है और वजन लगभग 122 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, एक बात को सुनकर और जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हाथी के इतने बड़े बड़े काम होने के बावजूद इसके सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसके अलावा अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा हाथी दिन भर अपने कान को हिलाता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा करता क्यों है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है। दरअसल ये काम हाथी की कान की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे गर्म इलाके में हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं आपको, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। जवान अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 6000 किलोग्राम से ज्यादा होता है और भारतीय हाथियों का वजन लगभग 5000 किलोग्राम तक होता है। उम्र की बात करें तो इनकी औसत उम्र हम मनुष्यों की तरह 70 साल तक की होती है। अभी तक जो रिकॉर्ड में लिया गया एक हाथी 82 साल तक ही जी पाते हैं। आमतौर पर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकता है। हाथी दिन के 16 घंटे सिर्फ खाने में खर्च कर देते हैं। उनका ज्यादातर टाइम हमेशा खाने की खोज में लगा रहता है। जो हाथी आप देखते हैं वो दिन में लगभग उसकी खुराक 120 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक होती है। इसलिए हाथियों के लिए आज भी एक कहावत है कि हाथी पालना आसान है लेकिन खिलाना बहुत भारी है। दोस्तों, हाथी बूढ़ी मादा हाथी के नेतृत्व में छोटे परिवार समूहों में रहते हैं जहां भोजन प्रचुर मात्रा में होता है। इनके समूह एक साथ जुड़ जाते हैं। ज्यादातर नर हाथी मादाओं के अलावा कुंवारे झुंडों में रहते हैं। नर हाथी 12 से 15 साल की उम्र के बीच झुंड को छोड़ देते हैं। हाथी का बच्चा अक्सर आराम करने के लिए अपनी सूंड को चूसता रहता है। हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है। हाथी की सूंड के ऊपर की ओर मांसपेशियों में जुड़ी होती है। हाथी के दांत अपने जीवन काल के दौरान हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथी के बारे में जान जाते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा कि एक हाथी पर जो महावत बैठा होता है वो एकदम गर्दन के पास बैठा होता है और उसको वो अपने पैरों से आगे बढ़ाता है? वो ऐसा क्यों करता है? इसका कारण यह है कि हाथी का सबसे नाजुक और मुलायम हिस्सा जो होता है वो उसके कान के पीछे होता है, जिसे कनाल बोलते हैं। जब वो इस पर मारता है तो हाथी को समझ में आता है कि हमको इस तरफ जाना है और वो आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।